नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गेन अगेन बाय अमन पर। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर पैनी स्टॉक के बारे में, जिस शेयर के बारे में मैंने काफ़ी बार वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। अभी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे हैं कि भाई शेयर में करें क्या, गिरावटें हो रही हैं। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, कंपनी जो है एक साल में 5% के रिटर्न्स दिया है, और वहीं पर अगर 5 साल का देखेंगे चार्ट पैटर्न तो 226% तक के रिटर्न्स दिए हुई है। जो इसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं, 5 साल पुराने हैं, उनके पास अगर ये अभी होल्ड है तो इट मीन्स कि अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हैं उनके। लेकिन बीच में शेयर जो है 20 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आया था, और वहाँ से अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है। इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी एक धमाकेदार रिजल्ट्स थे, लेकिन उसके बावजूद इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, स्टेक्स को। अभी कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स आपको दिखाएंगे, और कंपनी के जो अंदर की न्यूज़ है वो आपको बताने वाले हैं, जिसकी वजह से इसमें गिरावटें देखने को मिल रही है। आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ये सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अपकमिंग जो भी न्यूज़ हो वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर आप देखेंगे इस शेयर में गिरावट, तो 5 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, 7-7.5% तक टूट चुका है ये शेयर। अगली बात अगर मैं बताऊँ तो कंपनी का जो है फाइनेंशियल्स वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल्स पे है ये कंपनी का शेयर। अभी देखा जाए तो 193 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। इट मीन्स मार्केट कैप वाइज अगर देखें तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, और इस माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज के अंदर होती है बहुत भयंकर गिरावट और बहुत भयंकर तेज़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन कंपनीज़ के अंदर, तो ज़्यादा क्वान्टिटी लगा के चलने वाले तो बिल्कुल भी शेयर्स नहीं है। जो भी मतलब इसमें एड ऑन करना चाहता है अपनी क्वांटिटी को, बहुत ही कम मात्रा में एंट्री कर सकता है, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है ये, काफ़ी अच्छी वेल्थ भी जनरेट करने की पूर्णता क्षमता रखता है, ऐसा फाइनेंशियल्स है इसके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपनी का बुक वैल्यू, तो 2.14 रुपये का बुक वैल्यू है कंपनी का, और अभी ये 3 रुपये के आसपास ये शेयर चलता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी पी अगर देखा जाए तो 13 के PE पर ट्रेड कर रहा है, और लॉजिस्टिक से जुड़ी हुई सुविधाएँ ये जो है अपने प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि 22 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज़ा देखने को मिल रहा है, अगेंस्ट में अगर कैश देखेंगे तो मात्र 5 लाख का कैश देखने को मिलता है कंपनी का। EPS 0.27 का देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 44% से ज़्यादा की प्रमोटर स्टेक देखने को मिलती है कंपनी के अंदर। सेल्स ग्रोथ माइनस में जाती हुई नज़र आई है, 47.44% की सेल्स माइनस में देखने को मिल रही है। ROE 5.51, ROC 11.27, और प्रॉफिट ग्रोथ 76.97 है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स पे अगर ध्यान दो तो फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद अगर आने वाले क्वार्टर धमाकेदार होते हैं तो ये फाइनेंशियल्स भी एडजस्ट होते हुए नज़र आएंगे। अगर बात करो कंपनी के वर्क की, तो कंपनी का अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इन्होंने रिजल्ट्स प्रेजेंट किया, और पैट के अंदर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है 65% की। कंपनी प्रोवाइड करती है यंग प्रोसेसिव ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग सिंगल विंडो लॉजिस्टिक सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है। तो लॉजिस्टिक की सुविधाएं प्रोवाइड करती है, इधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सामान और ले आने में भी हेल्प करती है। कंपनी अगर फंडामेंटल वाइज देखें तो बहुत अच्छी है, डेप्ट बस इस पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो एजुकेशनल पर्पज़ से जो एंट्री लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट इसमें आराम से 5 रुपये तक के देखने को मिल जाएंगे, नेक्स्ट 6 मंथ का अगर आपका टारगेट देखने को मिल रहा है तो। लेकिन आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करना है, 3.20 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा लो, अगर वहाँ पर शेयर जाता है तो एक ज़बरदस्त गिरावट और देखने को मिल सकती है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में टारगेट्स दिया हूँ, ठीक है, मतलब शॉर्ट में स्टॉप लॉस है, अगर वहाँ जाता है तो आप एग्जिट ले सकते हो वहाँ से। लेकिन अपसाइड के टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 रुपये तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 54% के आसपास के रिटर्न्स होंगे। बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए यही सलाह रहेगी, आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स का आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स अच्छे हो तो आप एंट्री ले सकते हैं एक छोटे अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। तो छोटे छोटे इसमें छोटा छोटा अमाउंट लगा के चलने वाले शेयर है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट लगा के चलने वाला बिल्कुल शेयर नहीं है। सी कॉस्ट शिपिंग भयंकर रिस्की स्टॉक है, ये पहले ही मैं बता देता हूँ डिस्क्लेमर, कि आप जो है अगर
इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा के बिल्कुल ना चले, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो है कंपनी जो है बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज़ है। ऐसा अगर किसी भी आगे फ्यूचर में पैंडेमिक कोई आता है तो इन कंपनीज़ को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो काफ़ी कंपनीज़ जो है ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इस तरीके का जो है माहौल है। लेकिन सीको शिपिंग के साथ थोड़ा क्या है कि अच्छे ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, दो तीन इन्होंने बढ़िया टाइप कर लिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के अंदर अगर देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें जो है जिनके पास ऑलरेडी है वो होल्ड करो, जो एंट्री लेना चाहते हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट करिए, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।